फिर करेंगे हुई बाढ़ हुई बाढ़ हुई बाढ़ आवाज दो आवाज दो आवाज दो। मैं एचडी सिंह मेंबर जेके पावर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू। आज का जो हमारा बंडे प्रोटेस्ट प्रोग्राम है ये ऑल ओवर इंडिया ड्यूटी के जो पावर सेक्टर एम्प्लॉय है वो आज सभी जगह पर इसका मंडे प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली जून को भी हमने एक नेशनल लेवल प्रोटेस्ट प्रोग्राम दिया था जिसमें हमने बार बार इस बात के लिए विरोध किया कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन हमारे हित में नहीं है, हमारा फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन के दौरान सिक्योर नहीं है और इसलिए हमने बार बार हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को वापस लीजिए और इम्प्लाइज को आगे ही इस गवर्नमेंट सेक्टर में काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं काम करने के लिए और कोशिश करिए कि इस कोरोना महामारी के चलते जो मुश्किलें पावर एम्प्लाइज को काम करने में आ रही हैं इस सिस्टम को लैपटॉप किया जाए, इस जल्दी से जल्दी सिस्टम को लैपटॉप करना कि मुलाजिम जो हमारा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो आए। और आप देखते हैं कि हमारे कितने युवा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपनी कोर्स पूरा इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर रहे हैं आईटीआई कोर्स पूरा कर रहे हैं अगर कल की डेट में ये गवर्नमेंट पावर सेक्टर अगर प्राइवेट में चला जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा रहेगी कि आने वाले समय में जो हमारा नौजवान है उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट का ये रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का कोई उसमें वो नहीं होता, उनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ एक प्रॉफिटेबल काम करने की कोशिश में होते हैं और ये आने वाले समय में मैं कहूंगा कि एक डिपार्टमेंट के लिए तो है ही परेशानी का मुद्दा और आने वाले समय ये लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत का सामना इसके लिए करना पड़ सकता है।